तो वेक्टर्स जो कि एक व्हीकल का काम करते हैं, क्या करते हैं, एक व्हीकल का काम करते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इट इज सिंपली व्हीकल, एक व्हीकल का काम कर रहे भैया कि व्हीकल जो है कुछ इस तरीके से चलेगा। क्या करते हैं ये कैरी करते हैं फॉरेन डीएनए, कैरी द फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए को जो होते हैं वो कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान देने की कोशिश करना कि ये फॉरेन डीएनए को कैरी कर रहे हैं और इस तरीके से चीजें चल रही हैं। वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेशन सटल और क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे साइज शुड बी स्मॉल, इसकी साइज जो है छोटी होनी चाहिए, इसके पास ओराई होना चाहिए, दैट इज ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इट मस्ट हैव ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इसके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, हाई कॉपी नंबर होना चाहिए, कॉपी नंबर मतलब इसका नंबर जो है सेल में ज़्यादा पाया जाना चाहिए, हाई कॉपी नंबर यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर जैसे कि आपके एंटीबायोटिक मार्कर, सम स्क्रीनेबल मार्कर जैसे लैगजेड वगैरह, सम रेगुलेटरी एलिमेंट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट बट यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेट मी क्लियर दैट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट का मतलब है मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स हो सकते हैं, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स पाए जा सकते हैं, बट दिस पर्टिकुलर साइट शुड बी जो है वो साइट जो होना चाहिए एक बार होना चाहिए और मैक्सिमम टू इस तरीके से होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा बार अगर एक ही साइट को रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर जाकर डीएनए इंसर्ट हो जाएगा। यूनिक का मतलब है लोकेशन शुड बी स्पेसिफिक, यूनिक का ये मतलब है दैट लोकेशन शुड बी स्पेसिफिक, जो लोकेशन है ना वो स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, लोकेशन स्पेसिफिक होना चाहिए यूनिक। कई ऐसा नहीं कि पता लगा कि इधर भी है उधर भी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, नाउ सटल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो सटल वेक्टर क्या होते हैं, दिस दो आपके होस्ट पाए जाते हैं। जैसे बैक के ऊपर बात करें, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ये जो होता है ये बैक्टीरिया में भी सर्वाइव कर सकता है और ये जो है वो ईस्ट में भी सर्वाइव कर सकता है, इट कैन सर्वाइव इंटर द बैक्टीरिया एंड ईस्ट बोथ। तो ऐसे जिसके मोर देन वन होस्ट पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सटल वेक्टर। सम आर द एक्सप्रेशन वेक्टर्स, एक्सप्रेशन वेक्टर में वो सारी प्रॉपर्टी जो कि क्लोनिंग वेक्टर के हैं वो तो होनी ही चाहिए, मतलब साइज छोटा होना चाहिए, हाई कॉपी नंबर हो, सेलेक्टेबल स्क्रीनेबल मार्कर हो, ये सब कुछ होना चाहिए। इसके अलावा इसके पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज जिसको बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग साइट एंड स्टार्ट एंड स्टॉप साइट शुड बी देयर। राइबोसोम बाइंड होना चाहिए और राइबोसोम बाइंड हो उसके साथ साथ कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से स्टॉप होगा ये चीज इसके पास होनी चाहिए भाई, अदरवाइज प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होने वाली है। तो देयर इज अ थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स, क्लोनिंग सटल एंड एक्सप्रेशन वेक्टर्स। विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेरियस वेक्टर्स एंड देयर कैरी कैपेसिटी। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कोड के साथ लिखा हुआ है, कोड के साथ ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट कोड इज लाइक मेघा, पानी लाओ चाय पिलाओ फिर बाय बाय। मेघा का मतलब है एम, पानी का मतलब पी, लाओ का मतलब लेमडा फाज, चाय का मतलब कॉस्मिड, पिलाओ का मतलब पी वन फौज, पैक फिर का मतलब है पैक, फिर उसके बाद बैक, बाय का मतलब बैक और वाई का मतलब है यैक। ठीक है, ये केस हो गया, मेघा पानी लाओ चाय पिलाओ फिर एम थर्टीन फैजमिड लेमडा फाज कॉस्मिड पी वन फाज पैक बैक पैक। ज्यादातर के होस्ट जो होते हैं ये पाए जाते हैं नॉर्मली इन केसेस में, और मैक के केसेस में जो होते हैं वो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं बेसिकली अगर बात किया जाए तो नॉर्मली मैमल्स में, मैक का जो होता है होस्ट। इंसर्ट साइज कुछ नहीं करना है, बस मल्टीपल करते हुए चले जाना है, मल्टीपल करते हुए कि मतलब पहला वाला मान लो कि जो एम थर्टीन है इसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी 4 KB के आसपास है, तो फैजमिड का क्या हो जाएगा 8 KB लगभग लगभग, उसके हिसाब से 16 KB के आसपास हो जाएगा आपका लेमडा फाज का, 32 KB के आसपास हो जाएगा आपके कॉस्मिड का, 64 KB यानी कि लगभग लगभग 70 KB के आसपास हो जाएगा पी वन फाज का, 100 से 150 या 300 के आसपास जो 150 KB के आसपास है वो आपका पैक का हो जाएगा, और फिर 250 KB के आसपास है जो बैक का हो जाएगा, और इसके साथ उसके बाद जो होगा वो 2000 KB तक या मिलियन बेस पेयर तक या क्या हो जाता है। सो वेरी सिंपल, बस मेघा पानी लाओ चाय पिलाओ फिर बाय बाय, और 4 से शुरुआत करना है ये ध्यान रखना, 4 कप चाय चाहिए। ठीक है, तो 4, 8, 16, 32 ऐसे करके डबल करते चले जाना बस।
तो कैरिंग कैपेसिटी याद रखने का ज्यादा टेंशन नहीं है, यू कैन यूज इट मल्टीपल ऑफ फोर्स एंड यू कैन यूज इट दिस पर्टिकुलर कोड में, पानी लाओ, चाय पिलाओ, फिर बाय बाय, ठीक है, चलो फैंटास्टिक। देयर सम रिपोर्टेड जीन्स जिसमें कि हम बात करते हैं, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था वहां पे, जैसे लैक्जेट जीन्स इज देयर, कैट जीन्स, क्लोरमफेनिकॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज जीन्स होते हैं, जीएफपी ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन, आरएफपी रेड फ्लोरेसेंस एंड ल्यूसिफेरेज एंजाइम्स जो कि पाए जाते हैं, ये यूज होते हैं जो कि स्क्रीनिंग के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के वेक्टर्स जो होते हैं पाए जाते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं PUC18। PUC18 इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन वेक्टर जो कि डिराइव होता है PBR322 से। इसके अलावा कुछ अलग अलग वेक्टर्स भी पाए जाते हैं, वायरल वेक्टर्स भी होते हैं, इंसेक्ट वेक्टर्स भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो वेक्टर के केस में सम वेक्टर्स आर बैक्टीरियल, बैक्टीरिया को यूज करते हैं, सम वेक्टर्स जैसे कि वायरल, वायरल बैक्टीरिया के केस में खासकर बहुत सबसे ज्यादा एग्जाम्पल है जो कि एग्रोबैक्टीरियम एज अ बैक्टर, एग्रोबैक्टीरियम जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है प्लांट के केस में, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है प्लांट के केस पे। वायरस के केस में जैसे कि आपने SV40 का नाम सुना होगा, इट इज वेरी कॉमनली यूज फॉर द DNA ट्रांसफर इन द एनिमल्स, एनिमल्स के केस में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सम फैक्टर्स जिसमें कि कुछ आपके वायरसेस जो होते हैं वो इंसेक्ट में भी यूज करते हैं, जैसे बैकुलोवायरस, बैकुलोवायरस इज अ वायरस विच इज यूज फॉर होस्ट, इसका जो होता है वो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट जो होता है पाया जाता है। इसके अलावा आपको कुछ डिराइव्ड वेक्टर्स के ऊपर जब हमने बात की थी, तो ये तो डायरेक्ट आप एग्रो बैक्टीरियम को यूज कर रहे थे, इसके अलावा डिराइव्ड वेक्टर में हमने जो आपको देखा क्लोनिंग में PBR322 था, PBR322 है, उसके बाद PUC है, उसके बाद कॉस्मिड फॉजमिड, ये सब अलग अलग चीजें होती हैं। इसमें जो चीजें पाई जाती हैं कॉस्मिड फैजमिड क्या क्या है, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं ध्यान देना, कॉस्मिड, कॉस्मिड जो बनता है वो कॉस सिक्वेंसेस यानी लेमडा फाज प्लस जो बनता है वो बनता है लेमडा फाज प्लस PBR322 या प्लाज्मिड से बनता है। PBR322 जो है वो प्लाज्मिड से बना हुआ आपका केस है। इसके साथ आता है एक होता है फेजमिड, फेजमिड क्या है, इसमें जो होता है M13 फाज यूज होता है प्लस PBR322 होता है, ये फेजमिड है। एक आता है फॉस्मिड, फॉस्मिड, फॉस्मिड में जो होता है कि यहां पे लेमडा फाज तो है बट PBR322 की जगह यहां पे एफ प्लाज्मिड यूज किया जाता है, एफ जो है प्लाज्मिड यूज किया गया, तो दिस इज द केस ऑफ फॉस्मिड, ठीक है। कॉस सिक्वेंसेस में एफ प्लाज्मिड यूज कर दिया तो ये केस हो जाता है। पूछे जाते हैं कभी कभी किससे बना होता है, ये सब जो है मिक्सचर है बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए, और सिंपल वायरसेस में कुछ आपको देखा था लेमडा है, M13 अलग से है, ठीक है, ये चीजें पाई जाती है। इसके साथ कुछ आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स होते हैं, देयर आर सम आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स जिसके ऊपर बात की गई थी अभी। आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स में जैसे कि पैक, उसके बाद बैक, उसके बाद यैक एंड मैक, सब आर्टिफिशियल है। P1 आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ठीक है। बैक एंड यैक आर सटल वेक्टर्स, ये जो होते हैं सटल वेक्टर है, मतलब इनके दो होस्ट पाए जाते हैं, वो दो होस्ट क्या हैं उनके ऊपर बात करते हैं, दे आर द सटल वेक्टर्स, ये जो है सटल वेक्टर है, एंड सटल वेक्टर्स का मतलब है इनके पास दो होस्ट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया भी होगा और ईस्ट भी होगा, बैक्टीरिया एंड ईस्ट दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द केसेस जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ एग्रोबैक्टीरियम के ऊपर बात करते हैं जो कि कभी कभी पूछा जाता है। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ये वैसे तो यहाँ भी पढ़ रहे हैं और ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का भी पार्ट है, तो वहां पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा इस चीज के लिए, तो परेशान मत हो जाना, ये यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो एग्रोबैक्टीरियम में TI प्लाज्मिड पाया जाता है, इसके चार बेसिक पार्ट्स होते हैं, TDNA, वीर जीन एंड ओराई एंड ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन, चार डिफरेंट पार्ट्स होते हैं TDNA, वीर जीन्स, ORI that is origin of replication and opine catabolism gene. TI plasmid में अगर आप देखें तो this is the segment जहां पे virulence gene है ABCDEF, this is origin of replication ORI, this is opine catabolism gene and this is the TDNA. TDNA में
आपका लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर है, ऑक्सिन का जीन है, साइटोकाइनिन का है एंड ओपाइन सिंथेसिस जीन है। ओपाइन सिंथेसिस जीन, सिंथेसिस जीन जो है वो पार्ट ऑफ टीडीएनए होता है, बट कैटाबोलिज्म जीन इज नॉट द पार्ट ऑफ टीडीएनए। ये जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं कि इसमें कुछ वीर जीन्स में कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं और कुछ इंड्यूसिबल होते हैं। वीर ए एंड वीर जी आर कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब ऑलवेज एक्सप्रेस्ड होते हैं, दे आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, हमेशा एक्सप्रेस्ड हो रहे होते हैं। एंड वीर ए और वीर जी, वीर ए जो होता है ये सेंस करता है फिनोलिक कंपाउंड एसिटोसिरेंजोन। एसिटोसिरेंजोन इज अ फिनोलिक कंपाउंड, एक फिनोलिक कंपाउंड है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ वीर जी। ये क्या करेगा, वीर जी को फॉस्फोराइलेट करेगा। वीर जी फॉस्फोराइलेट होते ही ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर होगा और एक ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर जो होंगे ये इन सबको इंड्यूस कर देगा, इन सबको इंड्यूस करेगा वीर जी, सारे के सारे वीर जीन्स को एक्टिवेट कर देगा कि भाई देखो सेंस आ गया है, प्लांट में कहीं ना कहीं चोट लग चुकी है। जब प्लांट होता है कहीं पे वुंड लगता है, कहीं पे वहां पे जो होता है चोट लगी, डैमेजेस हुए, तो वो एक कंपाउंड सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं फिनोलिक कंपाउंड। और फिनोलिक कंपाउंड जैसे एसिटोसिरेंजोन जो है यहाँ पे सिक्रीट होगा और ये सेंस करेगा जो सॉयल में पाया जाने वाला एग्रोबैक्टीरिया में, जैसे सेंस करेगा ये कहेगा कि भैया वीर जी ना जाओ, अब हमें एंट्री करने का वक्त आ चुका है। तो वीर बी का काम होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब, या इसको बोलते हैं टाइप 4 सिक्रेटरी सिस्टम बनाना। वीर सी का काम होता है ओवरड्राइव सिक्वेंसेस से बाइंड करके ये रेट को बढ़ाना, इंक्रीज द रेट विद द ओवरड्राइव बाय द बाइंडिंग ऑफ ओवरड्राइव सिक्वेंसेस। ओवरड्राइव सिक्वेंसेस को नहीं बढ़ाता, रेट को बढ़ाता है, इंक्रीज द रेट बिकॉज ऑफ ओवरड्राइव सिक्वेंसेस। वीर डी टू का काम होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल एंड न्यूक्लियस एक्टिविटी का काम करना, डी वन एंड डी टू। वीर ई वन एंड ई टू जो होते हैं ये क्या करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं न्यूक्लियेज डिग्रेडेशन से, प्रिवेंट न्यूक्लियेज डिग्रेडेशन, जो न्यूक्लियेज होते हैं उनसे बचाता है ये। और नॉर्मली जब हम बात करते हैं वीर एफ के लिए तो ये इंटीग्रेशन और डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, जो इस पर्टिकुलर डीएनए या पर्टिकुलर एग्रोबैक्टीरियम से जो पाया जाता है डीएनए उस पर्टिकुलर उसमें क्या होता है कई सारे प्रोटीन एसोसिएटेड होते हैं, तो प्रोटीन से प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एफ एंड इट इज ऑल्सो फॉर द इंटीग्रेशन इन द क्रोमोसोम्स। जो सिक्वेंस होता है, सिक्वेंस में एक कोड याद रख सकते हो, ए जी सुनते हो, ठीक है ध्यान देना, ए जी सुनते हो ईद पे जरा ठंडा दैट इज टी डी एन ए ले आना। कौन सा ठंडा, फंटा ले आना था, चाचू जान और भाई जान हेल्प करते हैं, चाचू जान जो है ओवरड्राइव सिक्वेंसेस से फटाफट रेट बढ़ाएंगे और भाई जान तुरंत जो है वो सिक्रेटरी सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो ए जी सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूटिव, सुनने के बाद ई और डी का एक्सप्रेशन होगा और ये क्या करेंगे, ये जो है आपका ठंडा लेके आएंगे, टी डी एन ए, ठंडा का मतलब टी डी एन ए लेके आएंगे, और ये जो है कौन सा ठंडा, टी डी एन ए विद द एफ, वीर एफ को लेके आएंगे और इस सारी चीजें चलेंगे, चाचू जान ओवरड्राइव सिक्वेंसेस, भाई जान ये करेंगे। तो एक D4 होता है जो कि B के साथ बाइंड करता है, वीर D4 दैट बाइंड्स विद द B, वो यहाँ पे यूज नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ D1 एंड D2 होते हैं, D4 नहीं होता, D4 D1 एंड D2 होता है, D4 जो होता है वो टाइप 4 सिक्रेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। वेरी सिंपल है, एक बार स्टेप देख लीजिएगा उसके बाद चलते हैं। प्लांट सिक्रेट द फिनोलिक कंपाउंड, फिनोलिक कंपाउंड के बाद वीर ए जी का एक्टिवेशन होगा, टीडीएनए सिंथेसिस एंड वीर डी वीर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए वीर डी टू कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन होगा, मैनिपुलेशन ऑफ होस्ट होगा, टीडीएनए का इंटीग्रेशन हुआ और क्राउन गॉल डिजीज का फॉर्मेशन होगा। चलिए थोड़ा सा जूम करके सीखते हैं इस चीज को, ठीक है। नाउ सो बहुत ही सीधा सा पंखा है, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्या हुआ, ये प्लांट सेल है, यहाँ पे वुंड हुआ, कोई भी चोट लगा, डैमेज हुआ, डैमेज होने के बाद देयर इज अ प्लांट सिग्नल, एक प्लांट सिग्नल जो है यहाँ पे सिक्रीट हुआ, प्लांट सिग्नल सेट शुड बी द फिनोलिक कंपाउंड। ये क्या होगा, ये जो होगा वो फिनोलिक कंपाउंड होगा, फिनोलिक कंपाउंड, और फिनोलिक कंपाउंड का नाम होता है एसिटो सिरिंजोन, एसिटो सिरिंजोन,
जो कि सिक्रेट होगा। अब इसे एसिटोसिरिंजोन जो होगा कि वो चलेगा आपका धीरे धीरे, पहुंचेगा विर ए जो कि एग्रोबैक्टीरियम के सरफेस पे पाया जा रहा है। विर ए जो है सेंस करेगा इस फिनोलिक कंपाउंड को और विर ए जो है एक्टिवेट होगा। विर ए यहाँ पे सेंस किया, इसने सेंस किया इस फिनोलिक कंपाउंड को, और सेंस करने के बाद क्या किया कि उसने अब फॉस्फोराइलेशन या अपना जो ये फॉस्फेट ग्रुप है इसको ट्रांसफर किया। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉस्फोराइलेशन। ये जो है नॉर्मली अब वीर जी को फॉस्फोराइलेट किया, क्या किया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन के लिए वीर जी का देखो फॉस्फेट जो ग्रुप जो है वो जोड़ दिया। जब फॉस्फेट ग्रुप आपने यहाँ पे जोड़ा तो ये मजेदार तरीके से वीर जी जो है वो एक्टिव हो गया। अब एक्टिव होने के बाद ये जो है ये गया आपके न्यूक्लियस में, बिकॉज इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है अब मूव करेगा, मूव टूवर्ड्स न्यूक्लियस, मूव टूवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो है वो मूव करेगा। अब मूव करने के बाद देयर इज अ केस, जब यहां पे हम बात करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो ये जाता है टीडीएनए को कट करने में भी हेल्प करेगा, इसके अलावा टीडीएनए की सिंथेसिस में भी हेल्प करेगा कि भाई टीडीएनए तू भी सिंथेसाइज हो जा, और ये वीर जीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करेगा। दो काम करेगा ये, टीडीएनए की भी सिंथेसिस कराएगा और वीर के भी काम कराएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देने की कोशिश करिएगा। नाउ तो यहां पे जब ये चीज हो रही थी इस तरीके से, वीर जीन्स में ए बी जी सी डी ई एफ। अब सी जो होता है एज यू नो दैट कि सी क्या करेगा, बनेगा, और बनने के बाद ठीक है, सी जो बनने के बाद ये जाएगा ओवरड्राइव सीक्वेंसेस पे। यहां पे लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर, जो एग्रो बैक्टीरिया में एक होता है लेफ्ट बॉर्डर एक होता है राइट बॉर्डर, इसके बाद में ऑक्सिन सिंथेसिस जीन होता है, इसके पास जो होता है साइटोकाइनिन का सिंथेसिस जीन पाया जाता है, साइटोकाइनिन का सिंथेसिस जीन है और ओपाइन सिंथेसिस जीन है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे पाई जा रही है राइट बॉर्डर। इस पर्टिकुलर चीज पे क्या करेगा ये सी जो है यहाँ पे बाइंड करेगा और बाइंड करके रेट को बढ़ाने में हेल्प करेगा। बाकी जो है जैसे कि आपके विर एफ बनेगा, विर ई टू, विर ई थ्री, और इसके साथ साथ विर डी वन, विर डी टू, ये सारी चीजें भी बनेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि विर डी वन, विर डी टू, ये भी बनेगा। विर डी वन एंड डी टू जो है वो यहाँ से यहाँ की तरफ आएंगे, इस टी डी एन ए से न्यूक्लियस की तरह काम करेंगे। बेसिकली इनका काम क्या होगा कि विर डी वन एंड डी टू का जो काम है दे विल एक्ट एज अ न्यूक्लियस, ये जो है न्यूक्लियस का काम करेंगे। देखिए टी डी एन ए का एक सिंगल स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया, और कहाँ पे वीर डी टू बाइंड है, राइट बॉर्डर पे, ना कि लेफ्ट बॉर्डर पे। डी टू जो बाइंडेड होता है वो राइट बॉर्डर पे बाइंडेड है, और राइट बॉर्डर पे यहाँ पे पहुंचा और राइट बॉर्डर पे काम कर रहा है। कहाँ बाइंडेड है, राइट बॉर्डर, ध्यान रखना, ठीक है, ये काम हुआ। इसके साथ साथ वीर बी वन यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, दिस इज वीर बी वन, ठीक है, एंड डी फोर, वीर बी वन एंड डी फोर गो करेंगे और ये बनाएंगे टाइप फोर सिक्रेटरी सिस्टम, और ई टू ई थ्री जो है वो मूव करेंगे इनके साथ। डी टू के पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल भी होता है, तो ये अब इस टाइप फोर सिक्रेटरी सिस्टम से मूव करेगा प्लांट सेल में। जैसे ये मूव किया, टाइप फोर सिक्रेटरी सिस्टम बना, ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ द टी डी एन ए जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से। टी डी एन ए कैसा होता है यहाँ पे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो ट्रांसफर होता है, सिंगल स्टैंडर्ड टी डी एन ए ट्रांसफर होगा। ये पूरा का पूरा जो आप टी डी एन ए देख रहे हो, विर ई टू इससे सिंगल स्टैंडर्ड टी डी एन ए से बाइंडिंग प्रोटीन है पूरा का पूरा बाइंड कर लिया, सो दैट कि इसको न्यूक्लियस से बचा सके। डी टू अभी भी यहां पे बाइंडेड है, और ये जो होता है फिर यहां से ई वन ई टू ट्रेवल कर रहे होते हैं, ई टू ई थ्री वीर एफ ट्रेवल किया, इसके साथ साथ टी डी एन ए ये ट्रेवल किया, ई टू जो है जाके बाइंड किया, बिकॉज ई टू एज यू नो दैट सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि बाइंड करेगा, और बाइंड करके क्या बचाएगा, न्यूक्लियस जो पाए जाते हैं यहाँ पे उनसे बचाएगा, प्रिवेंट द डिग्रेडेशन, बाइंड्स करेगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में। अब इसको विर एफ जो कि प्रोटीज प्रोटियोसोम्स या प्रोटीज जो पाए जाते हैं जो कि डिग्रेड करने के कोशिश में रहेंगे इस पर्टिकुलर चीज के डीएनए के लिए इंटीग्रेट करने में, तो विर एफ रोल प्ले करेगा, और ये जो है न्यूक्लियर क्योंकि लोकलाइजेशन सिग्नल पाया जाता है विर डी टू के पास, तो देखिए न्यूक्लियर इंपोर्ट होगा और ये जो टीडीएनए यहां पे था ठीक है ये वाला, ये ट्रांसफर होकर यहां पे आ गया।
तो इंटीग्रेट करने में हेल्प कर दिया, आपका टी डी एन ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा और इस तरीके से चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज द केस जो कि आपका इन्वॉल्व हो रहा था, जिसके बारे में बात की जा रही थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा केस, दिस इज फिनोलिक कंपाउंड, सेंस किया, सेंस करने के बाद जी को फॉस्फोलेट किया, वो गया टी डी एन ए विरजिन को सिंथेसाइज किया, सी ओवर ड्राइव सिक्वेंसेस के साथ बाइंड किया यहाँ पे, दैट हियर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो बाइंड करेगा वो विर सी बाइंड किया ओवर ड्राइव सिक्वेंसेस के साथ और इन रेट को बढ़ा दिया, फिर डी टू इधर आपके बनाएगा न्यूक्लियस का काम करेगा और सिंगल स्ट्रैंड डी एन ए बनाएगा, ई टू ई थ्री वेब ट्रांसफर होंगे टाइप फोर सिक्योरिटी सिस्टम से, ट्रांसफर होने के बाद ये जो सिंगल स्टैंडर्ड विर डू के साथ वो भी ट्रांसफर होगा, ई टू बाइंड करेगा विर एफ, इसको जो है इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज एग्रो बैक्टीरियम, ये है एग्रोबैक्टीरियम और ये है प्लांट सेल, इस तरीके से पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है वो चल रहा होता है। सो देयर आर सम डिफरेंट डिफरेंट टी जीन्स जिसको हम इस पर्टिकुलर वेक्टर को यूज करके कर सकते हैं, जैसे ओसीएस, उस सब चीज का नाम जो है उसी के दो वर्ड से है, ठीक है। ओक्टापाइन सिंथेसिस, देखो ये दो वर्ड ध्यान रखना, उसी से सारा का सारा नाम जो लिया गया है। सी एस का मतलब वो सिंथेस, ओक्टापाइन सिंथेस ये चीज है यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे NOS में नोक्टापाइन नोपालाइन सिंथेस है, इसके बाद है TRNS, ये है TR, उसके बाद ट्रिप्टोफैन जो सिंथेस है, ठीक है। इसके बाद यही सब अलग अलग केसेस में पाए जा रहे हैं आपके TRNS 1 2 ये सारी सारी चीजें हैं। उसके बाद फ्रक्टोपाइन में जब देखेंगे FRS, फ्रक्टोपाइन सिंथेस FRS है। मैनोज में MAS है, मैनोज वाला है। एग्रोपाइन में AGS है, एग्रोपाइन सिंथेस है। तो ये चीजें जो है आपके इन्वॉल्व हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द केसेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग केसेस में। नॉर्मली देर इज अ टू काइंड ऑफ वेक्टर दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द टी आई प्लाज्मिड, एक होता है को इंटीग्रेशन और एक होता है बाइनरी। को इंटीग्रेशन और बाइनरी में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एक PBR322 है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, कैनामाइसिन है, दिस इज PBR322 और एक है विरजिन। इन दोनों में से क्या करते हैं ये एक्सचेंज कराते हैं और एक्सचेंज करा के को इंटीग्रेटेड वेक्टर बनाते हैं जिसमें कि कैनामाइसिन एम्पिसिलिन ये सब कुछ है और इसमें क्या आ जाता है कि वीर जीन को बस इंसर्ट कर देते हैं, इस वीर जीन को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो जब वीर जीन को इधर भेज दिया तो इसमें हम जो है हेल्प करेंगे, क्या करते हैं ये जो हेल्प करेगा इंसर्शन में और फॉरेन जीन को आपके फॉरेन जीन को प्लांट में इंसर्ट करा देगा। यह है को इंटीग्रेशन, आपने PBR322 को और इस वीर जीन के लिए इन दोनों को या इस पर्टिकुलर वेक्टर PGV को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन बाइनरी में क्या होते हैं, दो अलग अलग वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसके पास वीर जीन होगा और एक के पास TDNA और सेलेक्टेबल मार्कर्स होंगे। तो दो अलग अलग वेक्टर, बाइनरी का मतलब है दो अलग अलग वेक्टर भेजे जाते हैं, बाइनरी टू डिफरेंट वेक्टर्स, वन फॉर वीर जीन और वन फॉर द फॉरेन जीन या जो भी आपका जीन भेजना है। सो बाइनरी में दो अलग अलग होते हैं, को इंटीग्रेशन में एक साथ होते हैं, ठीक है। सो होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।